केके फाउंडेशन के द्वारा दिवाली के अवसर पर जरूरतमंदों और बच्चों को दी जा रही उपहार स्वरूप किट बनाकर दी गई, जिसमें दिवाली के लिए दिए, रंगोली, फुलझड़ी, मिठाइयां रखी गई है। लगातार समाज के लिए सेवा दे रहे केके फाउंडेशन के द्वारा लगातार ऐसे सेवा कार्य किए जा रहे हैं। केके फाउंडेशन की मेंबर रीता शर्मा ने बताया कि जैसे हम बच्चों को यह किट प्रदान करते हैं, बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। ऐसा सुखद एहसास होता है कि इन बच्चों के साथ दिवाली मनाए जाए। केके फाउंडेशन कीर्ति सुधांशु ने सभी मेंबर, सभी नगरवासियों, जिले वासियों को इस दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। सिटीन भारत से रोशन सिंगनापुरी की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा। फाउंडेशन की तरफ से ये बच्चों को छोटा सा उपहार दिया जा रहा है, उसमें बच्चों के लिए मिठाई, फुलझड़ी, रंगोली, ये सारी चीज़ें गिफ्ट के तौर पर दी जा रही हैं कि बच्चे जिससे अच्छे से खुशियाँ मना सकें, अच्छे से दिवाली मना सकें। ये हमारी सुधांशु जी मैडम, उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है और आगे भी निरंतर ये बच्चों के लिए और युवा वर्गों के लिए, बेरोजगार है जो, उनके लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रही हैं। आगे सुधांशु जी सर भी हैं उनके साथ, ये सर। हमने भी देखा यहाँ बच्चे बड़े खुश थे, आपने जैसे उपहार दिया था उन बच्चे के लिए, उठे तो कैसा लगता आपको? बहुत, जब मैं दे रही थी मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि बच्चे इतने उछल उछल के ले रहे थे, बहुत खुश थे बच्चे कि आज मेरे को कोई चीज़ गिफ्ट मिला है, मेरे को उपहार मिला है, तो अच्छे से खुशियाँ मना सकेंगे, दिवाली खूब अच्छे से मनाएंगे। खोल खोल के देख रहे थे क्या है इसमें, बहुत खुश थे बच्चे। यही बच्चों को यही हमेशा, बच्चे खुश रहें हमेशा और ये खुशियाँ मनाते रहें साथ में। और सबसे ज़्यादा श्रेय हमारी सुधांशु जी मैडम को जाता है, कीर्ति मैडम को जाता है, सुधांशु सर को जाता है कि ये उन्होंने ये पहल की है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारी सारी बहनों ने, छिंदवाड़ा में सारी बहनों ने जगह जगह पॉइंट पे ये सारे कार्यक्रम करवाए हैं, उन्हीं सभी बहनों को सबसे ज़्यादा धन्यवाद। और मेरी तरह मेरी साथ में जो थी अरुणा बैस, बीना चिड़के, कल्पना श्रीवास्तव, इन लोगों का सहयोग हमारे साथ रहा, बहुत बहुत इन लोगों को धन्यवाद। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरी कीर्ति मैडम को, सुधांशु सर जी को, जिन्होंने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम छिंदवाड़ा में रखा है और निरंतर ये कार्यरत हैं कि सभी महिलाएं और सभी बच्चे, बेरोजगार, जो सभी लोग आगे आके काम करें और एक साथ जुटता, एक साथ सभी जुट होकर काम करेंगे।